जिसकी दोस्ती की मिसालें पहुंचती हैं काबुल से काबा, उसे प्यार से सब बुलाते हैं अली बाबा। बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान लंबे समय से ब्रेक पर चल रहे हैं। लाल सिंह चड्ढा मूवी फ्लॉप होने के बाद से आमिर खान अभी तक किसी भी मूवी पर काम शुरू नहीं किए हैं। आपको बता दें, बीते दिनों आमिर खान ने सनी देओल के साथ मूवी लाहौर 1944 की अनाउंसमेंट की थी, जिस पर वो जल्द ही काम शुरू करने वाले हैं। लेकिन इसी बीच उनकी एक और अपकमिंग मूवी की अपडेट सामने निकल कर आ रही है। जी हाँ, आमिर खान अपने फैंस के लिए एक जबरदस्त मूवी लेकर आने वाले हैं। बताया जा रहा है कि ये मूवी अली बाबा 40 चोर की स्टोरी पर बेस्ड होने वाली है। फैंस का मानना है कि इस मूवी के साथ ही वो बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री करने वाले हैं। खबरों की माने तो आमिर खान की ये मूवी उन्हीं के प्रोडक्शन हाउस के अंदर बनने वाली है। हालांकि अभी तक इस मूवी का टाइटल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। इस खबर के बाद से ही आमिर खान के फैंस काफी ज्यादा मूवी के लिए एक्साइटेड हो गए हैं। साथ ही लंबे समय के बाद आमिर खान को सिल्वर स्क्रीन पर देखने के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। आपको बताना चाहूंगा कि आमिर खान की ये मोस्ट अवेटेड मूवी एक फैंटेसी ड्रामा मूवी होने वाली है, जो कि एक फेमस स्टोरी से इंस्पायर्ड है और उस स्टोरी का नाम है अली बाबा 40 चोर। साथ ही बताया जा रहा है, इस मूवी की कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस मूवी पर जल्द से जल्द काम शुरू होने वाला है। बात करें मूवी की कास्टिंग की, तो इस मूवी में आमिर खान मेन लीड रोल में देखने को मिलने वाले हैं। उनके साथ फीमेल लीड रोल में फातिमा सना शेख देखने को मिलेंगी। साथ ही इनके अलावा भी बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स इस मूवी में नजर आने वाले हैं। तो आप सब आमिर खान की मोस्ट अवेटेड मूवी अली बाबा 40 चोर कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।